बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको इस्लामाबाद के सेक्टर G14 में लेके आए हैं। हम आपको टूर करवाने जा रहे हैं। 4 मरला हाउस ये गर्जिया मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है, कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। देखने वाले से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा, इस घर की प्राइस, फ्लोर प्लान हम इसी वीडियो के दौरान ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको घर का स्ट्रीट ओवरव्यू चेक करवा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस घर की लेफ्ट साइड फुली कारपेट रोड है, 70 फीट ये स्ट्रीट है, और इधर इस घर की राइट साइड है। फ्रंट एलिवेशन आप एक दफ़ा क्लोजली चेक कर सकते हैं। स्टोन टाइल और आप देख सकते हैं ग्रिल के साथ जो है वो डिजाइनिंग किया गया है। मेन आप इसका जो है वो इंटरेस्ट डोर वर्क चेक कर सकते हैं। ये इस घर का कार रैंप का एरिया है, इधर आप देख सकते हैं टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया है। और राइट साइड पे इसका जो है छोटा सा ग्रीन एरिया है। इलेक्ट्रिकल का मीटर इंस्टॉल है, बाहर आप चेक कर सकते हैं बोर हुआ हुआ है। मेन आप इसका जो इंटरेस्ट डोर वर्क वाइट कलर में। फर्दर आपको एक दफ़ा फिर जो है वो क्लोजली इसका फ्रंट एलिवेशन घर के अंदर हम आपको लेके चलते हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं इसका गराज का एरिया है, एक बड़ी गाड़ी की इजीली पार्किंग। नीचे आप चेक कर सकते हैं खूबसूरत जो है वो मार्बल वर्क, और गराज के ऊपर आप देख सकते हैं सीलिंग वर्क। राइट साइड पे इसका जो है गैलरी एरिया, सेपरेट टैंक का आप चेक कर सकते हैं। इधर जो है वो वाटर बोर के लिए जो है पम्प इधर जो है इंस्टॉल है। और मेन आप इसके जो है वो 3 डोर देख रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले की बात करें तो ऊपर वाले पोर्शन की इधर से सेपरेट आप जो है वो लोहे की जो है वो स्टेट्स बना के इधर जो है वो सेपरेट उसकी इंटरेस्ट कर सकते हैं। और जो 2 डोर बाकी देख रहे हैं, दरमियान वाला जो है ग्राउंड पोर्शन की मेन इधर से इंटरेस्ट है, और राइट साइड वाला जो है ये ग्राउंड पोर्शन के ड्राइंग रूम की इंटरेस्ट है। सबसे पहले हम आपको इसका ड्राइंग रूम विजिट करवा देते हैं। ये आप देख सकते हैं स्टेप पे जो है ग्रेनाइट, और ये इसका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का आप चेक कर सकते हैं ऊपर जो है वो सीलिंग वर्क, नीचे आप देख सकते हैं खूबसूरत टाइल वर्क, और इधर इसके कबर्ड्स, कबर्ड्स के साथ ही बिल्कुल इधर अटैच बाथ। बाथ का आप देख सकते हैं इंग्लिश शील्ड लगाई गई है फुली ऊपर तक जो है इसका टाइल वर्क। एग्जॉस्ट आप चेक कर सकते हैं, और इधर इसकी वेंटिलेशन। हाइटेड विंडो आप देख सकते हैं सेपरेट जो है वो ग्राउंड पोर्शन के ड्राइंग रूम की इधर से आप जो है इंटरेस्ट है। मेन हम आपको इसके जो है ग्राउंड पोर्शन की इधर से मेन से इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आप चेक कर सकते हैं। खूबसूरत जो है वो डोर वर्क जी व्यूअर्स, इंटर होते ही चेक कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे स्ट्रेट जो है वो ग्राउंड पोर्शन से भी इसकी जो है वो इंटरेस्ट है ऊपर वाले पोर्शन की। और ये इसका जो आप इस हिस्से को एज ए जो है वो डाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप देख सकते हैं ऊपर खूबसूरत सीलिंग वर्क। सामने जो है वो 2 डोर देख रहे हैं। लेफ्ट साइड वाले की बात करें तो ये किचन का है, और सेकेंड डोर जो है ये बेडरूम का है, और ये ग्राउंड पोर्शन की ग्रास से जो है ग्राउंड पोर्शन से भी इंटरेस्ट है ग्राउंड पोर्शन के ड्राइंग रूम की। ये जो है वो हमने आपको ऑलरेडी जो है वो विजिट करवा दिया है जी व्यूअर्स। और ये इसका किचन है, किचन का आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है वो डोर जो है वो डिज़ाइन किया गया है ग्लास और जो है वो वुड के साथ। किचन का आप काम चेक कर सकते हैं खूबसूरत, नीचे जो है वो टाइल वर्क, और लेफ्ट साइड पे इसके जो है वो कबर्ड्स। किचन के ऊपर आप देख सकते हैं इसका सीलिंग वर्क, और किचन से ही बैक गैलरी की इंटरेस्ट है। ये इसकी बैक गैलरी, बैक गैलरी पर चेक कर सकते हैं। लॉन्ड्री की स्पेस जो है वो इधर दी गई है, और अभी जो है वो सेपरेट इसका ग्राउंड पोर्शन का जो है वो गीज़र अभी इंस्टॉल होना है। और ये एग्जिट होते हैं, वापस आते हैं किचन की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो है वो सिंक का एरिया है, और इधर इसका बर्नल इंस्टॉल है। ऊपर आप देख सकते हैं इसका जो हुड भी है वो भी लगा हुआ है जी व्यूअर्स। इधर इसका बेडरूम है, बेडरूम का आप इंटरेस्ट जो है वो डोर वर्क चेक कर सकते हैं। ये इसका जो है वो बेडरूम साइज़ आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत, ऊपर चेक कर सकते हैं सीलिंग वर्क, नीचे इसका जो है वो टाइल वर्क है। इधर इसके कबर्ड्स, कबर्ड्स के साथ इधर अटैच बाथ जी व्यूअर्स। इधर आप देख सकते हैं इंडियन सीट लगाई गई है फुली ऊपर तक, इसका जो है वो टाइल वर्क है, और बाथ के ऊपर जो है वो स्टोरेज के लिए जो है स्पेस जो है वो डिज़ाइन की गई है। ग्राउंड पोर्शन के व्यूअर्स इसका देख सकते हैं अकोमोडेशन, एक बेडरूम और एक किचन, एक ड्राइंग रूम डिज़ाइन किया गया है। ये कुछ स्पेस है, इसे आप डाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर हम आपको लेके चलते हैं इसके रॉफ टॉप की तरफ, ऊपर वाले पोर्शन की तरफ, उसके बाद जो है वो टॉप ऑफ फ्लोर तक। ये आप स्टेयर्स का डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत इसका डिज़ाइन किया गया है। और इसका जो है वो राइट साइड से विजिट स्टार्ट करते हैं। सामने इसका जो है वो गराज की स्पेस है, गराज के ऊपर जो है वो टेरेस डिज़ाइन किया गया है। ये इसका टेरेस है जी वर्स, नीचे आप देख सकते हैं खूबसूरत टाइल वर्क, और ये इसकी जो है वो टेरेस की जो है सामने जो है इसका, ये भी आप स्पेस यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी आप डाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ऊपर आप चेक कर सकते हैं सीलिंग वर्क, राइट साइड पे इसके वॉल के ऊपर जो है वो अभी वॉल पेपर अंदर जो है अभी इंस्टॉल किए जाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं खूबसूरत टाइल वर्क, और इधर से हम विजिट स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट बेडरूम।
ऊपर वाले पोर्शन का नीचे आप देख सकते हैं इसका खूबसूरत जो है वो टाइल वर्क, और ऊपर इसका जो है वो सीलिंग वर्क, और यहाँ वॉल के ऊपर व्यूअर्स कुछ जो है अभी ऊपर वाली साइड पर जो है काम अभी अनकम्प्लीट है, वो भी काम होगा। और इधर इसके कबर्ड्स, कबर्ड्स के साथ ही बिल्कुल इधर अटैच बाथ है इसका, बाथ का देख सकते हैं इधर इंग्लिश सीट लगाई गई है, बेडी आप देख सकते हैं फुली ऊपर तक इसका जो है वो टाइल वर्क, एग्जॉस्ट चेक कर सकते हैं। इधर इसका सेकंड बेडरूम ऊपर वाले फ्लोर का, ऊपर आप चेक कर सकते हैं इसका सीलिंग वर्क खूबसूरत, नीचे टाइल वर्क, और सामने इसकी जो वेंटिलेशन के लिए जो है हाइटेड विंडो, और ऊपर इधर भी आप देख सकते हैं बाथ के ऊपर जो है वो स्टोरेज के लिए स्पेस, ये इसका बाथ है जी व्यूअर्स, बाथ का आप देख सकते हैं इसका जो है फुली ऊपर तक जो है टाइल वर्क, और इधर इसके कबर्ड्स ऊपर वाले पोर्शन के बेड के, इधर इसका जो है वो ऊपर वाले पोर्शन का किचन, सेम जो है वो ग्राउंड पोर्शन में जिस तरह किचन का डोर जो है वो डिज़ाइन किया गया है, इसी तरह ऊपर वाले पोर्शन का भी किचन का है, बहुत ही जो है वो खूबसूरत तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और ये इसका किचन ऊपर वाले पोर्शन का, इसका भी आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं सीलिंग वर्क, और इधर इसके जो है वो कबर्ड्स, ये आप चेक कर सकते हैं इसके जो वो ड्रास वगैरह जी वैसे, बर्नल इंस्टॉल है इधर आप देख सकते हैं जो ऊपर इसका जो हुड जो है वो इंस्टॉल है, और ये इसका वॉश एरिया है। ऊपर वाले किचन से जो है वो बैक इसकी जो है वो गैलरी की इंट्रेस, इधर भी नीचे आप चेक कर सकते हैं टाइल वर्क फिर जो है वो इसकी स्पेस देख सकते हैं टेरेस की और गैलरी की सॉरी, ये इसका किचन जी वर्स। ऊपर वाले पोर्शन में आप चेक कर सकते हैं काफ़ी जो है वो खूबसूरत जो है वो डिज़ाइनिंग हुई हुई है, और ऊपर हम लेके चलते हैं आपको छत की तरफ, तो स्टेज का डिज़ाइन आप देख सकते हैं ग्राउंड पोर्शन से लेके ऊपर जो है वो छत तक सेम ही दिया गया है, स्टेनलेस स्टील की ग्रिल आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत की गई है जी बर्ड्स। ये हम इसके जो है वो ऊपर आते हैं तो ऊपर इधर देख सकते हैं राइट साइड पे इसका जो है वो सर्वेंट रूम भी इसे कह सकते हैं, इसे आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं प्रॉपर, इसे जो है वो बेडरूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे इसका जो है टाइल वर्क, और सामने इसके देख सकते हैं फुली जो है वो हाइटेड विंडो जी बर्ड्स। ये इसका बाथ, बाथ का आप देख सकते हैं फुली ऊपर तक इसका टाइल वर्क जो कि सेम जो है वो खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, और ये इसकी जो है वो छत की जो है वो इंट्रेस, इधर आप देख सकते हैं छत पे जो है वो नीचे चिप्स का इस्तेमाल किया गया है। ये इसका सेपरेट टैंक, बड़ा जो है इसका सेपरेट टैंक है व्यूअर्स, इस घर की जो है वो डिमांड कर रहे हैं 2,65,00,000 जो है इसकी डिमांड कर रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। देखने वाले से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की जितनी भी वीडियो जो है वो G13 की इसी चैनल पर जो है वो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।